अच्छा गाइज, आज है बेसिकली 12 रबीउल अव्वल। तो सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को ईद मिलाद उन नबी बहुत बहुत मुबारक हो, विलादत रसूल सल्लम बहुत मुबारक हो। आज का दिन एक तो वैसे ही आज का दिन एक तो वैसे ही बहुत स्पेशल होता है और हमारे लिए कुछ खास ही स्पेशल होता है, क्योंकि आज के दिन हमारा हुआ था निकाह, मेरा और एमन का। तो आज तकरीबन 5 साल पूरे हो गए हैं। आज हो गए हैं हमारे निकाह को 5 साल पूरे। अमल, आज मम्मा बाबा की निकाह एनिवर्सरी है, यू नो। सो बेसिकली आज हमारे निकाह को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज हमारी 5th निकाह एनिवर्सरी। अमल इज कमिंग। ओके, सो एक तो उसकी भी खुशी और ऊपर से ये दिन भी बहुत जो है वो बाबरकत है। जब भी कोई इस तरह के डेज आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार हम कुछ लोगों को बांटें, कुछ खिलाएं लोगों को, कुछ मीठा दें या कुछ। लास्ट टाइम जब मुहर्रम थे तो मैंने हलीम बनवाया था, तो आज मैंने जो है वो बिरयानी बनवाई हुई है, ताकि एक रबीउल अव्वल की मुनासबत से जो है वो लोगों में न्याज की जाए लोगों को, क्योंकि वैसे ही लोग इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से बड़े परेशान हैं। सो बस अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में चिकन लेने के लिए, और सबसे पहले चिकन लेंगे, चिकन लेके उसके बाद फिर उसको हम देकर आएंगे पकवान सेंटर में, ताकि वो बना सकें टाइमली। अभी टाइम बहुत कम है, आज जुमा भी है, 12:30 हो चुके हैं। यस, आई एम कमिंग। 12:30 हो चुके हैं, 4 बजे तक हमें बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसके बाद मुझे रात में इंटीरियर सिंध के लिए निकलना है। सो स्टे ट्यून्ड और चलते हैं चिकन लेने के लिए थोड़ी। ओके, जाएंगे थोड़ी देर में चिकन लेने के लिए, स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। व्हाट आर यू डूइंग? No, what are you doing? अच्छा, you start copying me. Okay. Old game. Baba, I love you because that's why I'm copying you. Okay, now I got it. Thank you. I love you too. Chalo, we are here finally. Now we have to buy chicken. Yes, you're here and we have to buy chicken. साइज देख लेना यार, छोटी हो, किलो सवा किलो से ऊपर की ना, बस। अब लुक सो मेनी चिकन्स। ये हमारे ब्लॉग से शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचने वाले मकसूद भाई। बोला किसी ने आगे, बोला मैं तुम्हें देखा था, तीन चार बंदे। ओ, ओ लगता है व्यूअरशिप बढ़ानी पड़ेगी। कितना टाइम लगेगा बनने में, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। ये हो गया अमल, आपका बलून, ये रहा, ये लो आपका बलून। जी आ गए हैं अब। जी सो फाइनली चिकन जो है वो अब देकर आ जाते हैं बनने के लिए, और अब जब वापस आएंगे तो बिरयानी रेडी होगी। चलो भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है भाई अगर आपको अच्छी बिरयानी बनवानी है तो। चिकन लेके हम आ चुके हैं, तो रबीउल अव्वल के साथ साथ, 12 रबीउल अव्वल के साथ साथ आज क्योंकि जुम्मा भी है, सो इस वक्त हम जा रहे हैं जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए, जो कि अच्छा हमारे एरिया में 3-4 जो है वो औकात पे नमाज होती है, 3-4 वक्तों पे नमाज होती है, और यूजुअली जो है वो मैं सबसे लेट वाली पढ़ रहा था क्योंकि उठते थोड़ा सा लेट है फ्राइडे वाले दिन, और आराम से पढ़े थे, लेकिन आज मैंने, क्योंकि मैं जल्दी उठ गया हूँ, काफ़ी सारे काम थे, तो आज जो सबसे पहली एरिया की नमाज होती है मैं वहाँ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और पहली दफ़ा जा रहा हूँ मैं इस मस्जिद में लिटरली। बड़ी मुश्किलों से आपके भाई ने बिल्कुल कंजेस्टेड जगह पे गाड़ी पार्क कर दी है, वो सामने आते थे काफ़ी दूर यहाँ से, तो यहाँ पे यही बड़ा सबसे बड़ा इशू है पार्किंग का। लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, रोड पे गाड़ी लगा के चले जाते हैं। भाई पीछे वालों का भी तो देखो, तो दूसरा, बहुत गर्मी है भाई आज, बहुत गर्मी है। कॉलेज टाइम में थे तो रबीउल अव्वल आते थे सर्दियों में, तो बड़ा मजा आता था। ये तो इतनी गर्मी हुई है आज। जी गाइस, तो बिरयानी का ऑर्डर दिए हुए, अब तक तकरीबन कोई 2 घंटे तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक अभी तक रेडी हो गई होगी, लेकिन पैकेट्स बन रहे होंगे क्योंकि पैकेट बनना एक अलग काम है, उसमें तकरीबन 1/2 आवर 45 मिनट्स लगते हैं। मीनवाइल जो जर्दा है, जो मीठा है, वो हम घर में ही प्रिपेयर करें, क्योंकि उसमें कोई इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं चाहिए होती आपको। सो उसकी जो प्रिपरेशन हो रही है आपको दिखाता हूँ। तैयारी है पूरी पूरी, अब बस सिर्फ मोहब्बतों की देर है। डाल दे भाई, बिस्मिल्लाह करें, डालू। अब मुझे बताओ आज क्या है? क्या है?
बर्थडे नहीं रसूलुल्लाह की विलादत, विलादत विलादत रसूलुल्लाह की विलादत है। ओके ईद मिलादुल नबी। हाँ जी कहाँ जा रहे हो आप लोग? टॉयज देने। हाँ टॉयज देने जा रहे हो? टॉयज देने जा रहे हो? ओके जाओ जाओ बाय गाइस। क्या हुआ आपको? क्या हुआ अब्दुल्ला? अब्दुल्ला जी ने क्या हुआ अब्दुल्ला? व्हाट हैपेंड? गड़ा में गाड़ी इधर आ जा। स्कूल की छुट्टी है। अच्छा अभी तो पहला दिन है। ओके हैव फन गाइस। चलो टॉयज लेकर आओ फिर भाईजान के साथ चलेंगे, हम भी चलेंगे साथ। अच्छा जी पहली बिरयानी जो है वो मोहल्ले से रिसीव हो चुकी है। यार एक तो हमारे एरिया में ना ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो है ना यहाँ पे बहुत मतलब कि प्यार करने वाले और देने दिलाने वाले होते हैं। यूजली क्या होता है कि अब ऐसा टाइम आ गया कि पड़ोसियों को पता ही नहीं होता कि आपके बराबर वाले घर में कौन रहता है। अच्छा कोई भी इस तरह के इवेंट होते हैं, आपका कोई रिलीजियस त्यौहार होता है, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि यार ये भी एक चीज़ होती थी पुराने ज़मानों में कि पड़ोसी एक दूसरे को चीज़ें भिजवाते थे, जर्दा भिजवाते थे, बिरयानी भिजवाते थे। लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया के अंदर ये रिवायत कायम है और जर्दा हमारा ऊपर रेडी हो रहा है। अच्छा जी मैं भी रेडी हो चुका हूँ तकरीबन, काफ़ी मैंने शौक क्योंकि खुशी का मौका है तो ज़रा थोड़े से शौक कपड़े पहनने चाहिए, सो मैंने भी ये एक जो है वो हुमायूं आलम गेट के अंदर से कुर्ता निकाल के पहन लिया है। सो बिरयानी आई थिंक रेडी हो गई होगी, टाइम था 4:30 का, 4:45 फॉर इस, लेट्स गो देखते हैं क्या सीन है। भाई चलते हैं देखते हैं क्या सीन है, बिरयानी रेडी हुई कि नहीं। जर्दा तो ऊपर रेडी हो गया, अम्मी की आवाज़ आ गई कि भाई जर्दा रेडी है और बिरयानी ले आओ ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट करें। यूजली असर और मगरिब के फंबल हो गया, यूजली असर और मगरिब के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है ताकि मगरिब से पहले पहले जो है वो जो भी बांटने का सिलसिला है वो कम्प्लीट कर लिया जाए। सो लेट्स गो चलते हैं। फाइनली आज जी हमारे निकाह को हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मेरे निकाह की डेट रखी जा रही थी तो उन दिनों में रबी अव्वल ही थे तो और हम लोगों ने इसीलिए अच्छा इत्तेफाक ऐसा था कि उस दिन भी फ्राइडे था तो जुम्मे की नमाज के बाद जो है वो मेरा निकाह जो है वो हुआ था। एंड 5 साल यार निकाह को हो गए, पता ही नहीं चला। पता तो चला है लेकिन कहना यही होता है कि पता नहीं चला। बच्चों की जो गाड़ी है वो आ चुकी है, सो अब हम वेट कर रहे हैं बच्चों का। जी दिखाएं आप, दिखाएं टॉयज। वाह भाई ईद मिलादुल नबी है, सारे बच्चों को टॉय दिलाए हैं। वाह ये तो आपसे मिलता है काफी ज्यादा अब्दुल्ला। ज़ैनब को भी सबको। क्या करोगी? ज़ैनब को सबको। अच्छा ज़ैनब कौन है? हुसी फ्रेंड है जैसे उसकी अमल की फ्रेंड जोया। अच्छा कॉम्पिटिशन है अमल हो। ये तो का सताया हुआ है। चलो जाओ तो 75 का अमल स्टार्ट हो जाता है। कराची की बरकत है भाई, ये कराची वाले सब हमारे कराची के। कराची में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि लाहौर या इस्लामाबाद में कम है लेकिन कराची भाई जनरोसिटी के मामले में कोई मिसाल नहीं है। अच्छा जी फाइनली ज़रा हम भी ट्राई कर लें रबी अव्वल के न्याज की बिरयानी। ट्राई करो थोड़ी सी, तो ट्राई कर लो जन्नत थोड़ी सी कर लो, बहुत मजे की बहुत स्पाइसी। आओ अमल कम है। ओ जी जर्दा जो है वो पूरा तैयार हो चुका है फाइनली और बिरयानी भी अभी हम बांट के आ चुके हैं। अब अल्लाह मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वसल्लम की आज विलादत है, बर्थडे नहीं विलादत। जी हाँ बर्थडे भी हो सकता है विलादत भी कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जब वो इस दुनिया में आए थे तो उसको विलादत कहते हैं। बर्थडे इज एन इंग्लिश वर्ड, विलादत इज एन उर्दू वर्ड, करेक्ट? पप्पू हाउस लेट्स गो। चलो जी पप्पू वो देखो कौन आ गया, डिंग डोंग ओए।
ओके गाइस, सो फाइनली वी आर डन विद द डे और ईद मिलाद उन नबी आज और अब इस वक्त रात के तकरीबन 1:30 बजे खत्म होता है एंड अभी हम लोग निकले हैं कवाली सुन के और अब जा रहे हैं घर। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मजा आया, गुड एक्सपीरियंस। बहुत दूर आए थे हम कराची से, कवाली जो है वो मेरे फादर ने यहाँ पे अरेंज की हुई थी सो उसको अटेंड करने के लिए और बड़ी सख्ती से हिदायत थी भाई आपने इसको मिस नहीं करना, इसको अटेंड करना। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस ब्लॉग और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल।